ने उन्हें बना दिया दीवाना, जिनकी एक मुस्कान में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन भी हो गए फिदा, जिनकी नजाकत, जिनकी अदाएं, जिनकी हुस्न, जिनका शर्माना, जिनका मुस्कुराकर निकलना और जिनका डांस लोगों को बनाता रहा वो दीवाना, वो एवरग्रीन ब्यूटी सिर्फ और सिर्फ रेखा ही हैं, जिनकी हमेशा होती रही तारीफें और जिंदगी ने जितनी बार लिए हैं परीक्षा, जिंदगी की हर परीक्षा में, जिंदगी के हर इम्तिहान में हंसकर हर दुख की घड़ी को टालकर हर दर्द को भुलाने की कोशिश में रेखा रही है सफल। दर्द जो दिल में दबाकर हर किसी की आंखों में आंसू की बजाय चमचमाती हुई मुस्कान लाने वाली रेखा 65 की उम्र में भी जब अपने बीते हुए यादों को, लम्हों को याद करती हैं, तो उनकी यादों में वो नाम वो नहीं भुला पाती जो कि आज भी लोगों का है लोकप्रिय, जिन्हें कहा जाता है शहंशाह। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दर्शकों, आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं हमारा बेहद ही खास प्रोग्राम, किसी और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रेखा को लेकर, उनके पुराने प्यार अमिताभ बच्चन को लेकर। प्यार भले ही पुराना हो, प्यार भले ही पूरी तरह से गायब दिखाई देता हो, प्यार भले ही एक सिर्फ और सिर्फ याद बन गया हो, लेकिन आज भी इनकी मोहब्बत हो जाती है ताजा जब दिखते हैं ये दोनों एक दूसरे के सामने, जब मिलती है नजरें नहीं रोक पाते हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए भावनाओं को व्यक्त करने में। आज दोस्तों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति ये बेहद ही स्पेशल प्रोग्राम उसी रेखा अमिताभ, प्यार के दो बिछड़े हुए पंछी की मोहब्बत की कुछ खास झलक पेश करने वाली हूं, जिसमें इस उम्र में भी दुल्हन की तरह चमचमाते हुए चेहरे को अमिताभ के सामने आने पर रेखा नहीं छुपा पाती है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। Thank you.
दर्शकों, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की उन वायरल तस्वीरों से जुड़ा हुआ, जो कि बिल्कुल सच्ची मोहब्बत की कुछ खास, सिर्फ और सिर्फ खास झलक है, कुछ रहस्य है जिससे हमने आपको पर्दा उठाते हुए वाकिफ कराया अमिताभ और रेखा का प्यार भरा सफर आज किस तरह से बदला बदला हुआ दिखाई देता है। जाना आपने हमारे इस प्रोग्राम में, वक्त हो गया है अब आपसे यहीं पर इजाजत लेने का। फिर लौटेंगे ऐसे ही बॉलीवुड की आप सभी के बीच मन पसंदीदे सितारों की जिंदगी लेकर, ऐसे ही कुछ अनजाने किस्सों से आपको वाकिफ कराने के लिए। तब तक आप देखते रहें बॉलीवुड की हर खबरें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ, और मुझे अभी के लिए दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।